दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप जो है आपका ओएस जो है अगर 64 बिट का है तो उसको 32 में कर सकते हैं, या फिर अगर 32 बिट का है तो उसको 64 बिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा डिटेल में प्रोसेस बताने वाला हूं आगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको आपका सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है, आपको 32 से 64 करना है या 64 से 32 बिट करना है, तो दोस्तों ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ इसमें थोड़ा सा रिस्क है। आपका डाटा जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो 70% चांस है कि आपका डाटा नहीं जाएगा, बट जो 30% चांस है कि चले जाएगा, अब वो डिपेंड करेगा आपके सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर, आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपका जो भी डेटा है वो बैकअप ले लीजिए, मतलब डेटा इन द सेंस कि मैं आपको जो सी ड्राइव में जो भी डेटा है, यानी कि जो डेस्कटॉप में है, या फिर आपकी जो माई डॉक्यूमेंट्स वगैरह डाउनलोड्स वगैरह उनमें है, या फिर आपके सॉफ्टवेयर जो हैं उन सबका बैकअप ले लीजिए फॉर सेफर साइड। मैं भी शायद आपका डेटा नहीं जाएगा, मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा डेटा नहीं जाएगा उसके लिए मैंने क्या किया है। यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने एक इमेज रख ली है, मेरी इमेज है ये डेस्कटॉप पे। अब हम पूरी प्रोसेस में ये देखेंगे ये इमेज डिलीट होती है या नहीं होती है। अगर ये इमेज डिलीट हो जाती है तो आप समझ लीजिएगा डेटा चले जाएगा, अगर इमेज डिलीट नहीं होती है तो आपका डेटा नहीं जाएगा। तो हमने इमेज भी रखी है और रिसाइकल बिन भी में भी एक इमेज है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये वाली जो कि शॉर्टकट इमेज है, वही उसके ही शॉर्टकट मैंने डिलीट किया है। तो दोनों हम चेक करेंगे कि जाता है कि नहीं जाता है। और ये माइक्रोसॉफ्ट एज का शॉर्टकट यहाँ पर है, और मैं दो तीन चेंजेस और कर देता हूँ इसमें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, ये बिट लॉकर की है मेरी, तो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और डेस्कटॉप पर डाल देता हूँ। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने यहाँ पर डाल दी इसको। ठीक है, ये डाल दी। अब हम क्या करते हैं, जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। अब प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब वो कहाँ से मिलेगी, एक लिंक दे रहा हूँ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मिल जाएगी आपको। या फिर नॉर्मली हम बात करें तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं विंडोज़ 10 ISO। अगर ये मैं 10 में बता रहा हूँ, आप इसको 7 में भी इसी तरह से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मीडिया क्रिएशन टूल आपको यहाँ से मिल जाएगी, जैसे कि आप जो मैं लिंक दूंगा वहाँ पर ये इस तरह से पेज ओपन होगा। इसमें आपको डाउनलोड टूल नाउ पर क्लिक करना है। ये डाउनलोड टूल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये रन की बोलेगा, हम सेव कर देते हैं इसको, अभी हमें रन नहीं करना है। ये डाउनलोड हो गया है, अभी हमें क्या करना है, देखिए ये डाउनलोड हो गया है यहाँ पर। तो अभी मैं इसको ओपन करूँगा, अब इसको ब्राउज़र को मिनिमाइज़ कर देते हैं हम, इसको येस करना है ये पूछेगा। ठीक है, ब्राउज़र को मिनिमाइज़ कर दिया, तो इस तरह का कुछ सेटअप यहाँ पे आपको दिखेगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये पूछेगा आपसे कि व्हाट डू यू वांट टू डू, अपग्रेड करना है इस पीसी को या मीडिया क्रिएशन टूल को आपको मतलब बनाना है, यानी कि यूएसबी में बनाना है, डीवीडी बनाना है, ISO फाइल चाहिए, क्या चाहिए फॉर दूसरे पीसी के लिए, मतलब फॉर अनदर पीसी। तो यहाँ पर हमको क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया पे ही क्लिक करना है, अपग्रेड नहीं करना है अभी हमें। ठीक है, क्रिएट जो है इंस्टॉलेशन मीडिया पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब मेन काम आता है यहाँ पर, ये पूछेगा आपसे कि लैंग्वेज एडिशन और आर्किटेक्चर। तो लैंग्वेज एडिशन तो सेम रखना है, बट आर्किटेक्चर आपको 64 बिट, मतलब आपका अगर 32 बिट है तो उसको 64 में करना है। मेरा 64 है, मैं क्या करूँगा 32 में करूँगा, बट प्रोसेस पूरी सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। मैं 64 से 32 में कर रहा हूँ, आपको 32 से 64 में करना है, बट प्रोसेस पूरी सेम है। आप ये मत सोचिएगा कि यार मेरे को 32 से 64 में करना है, आप हमें बता रहे हो कि 64 से 32 में कैसे करना है। प्रोसेस पूरी सेम है, बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो ये सिलेक्ट नहीं होगा जब तक आप इसको अनटिक नहीं करो, जब तक आप इसको अनटिक नहीं करोगे। जैसे मैंने अनटिक किया तो ये सिलेक्ट करने का आने लग गया। अब यहाँ पे क्या करूँगा, 64 बिट से करके 32 बिट कर दूंगा। ठीक है, ये 32 बिट मैंने कर दिया। 32 बिट करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर USB पूछेगा ये कि क्या आपको USB में करना है या ISO फाइल बनाना है। तो मैंने USB लगा रखी है, मैंने आपको बोला था आपको USB चाहिए एटलीस्ट 8GB की, तो 8GB की USB लगा रखी है मैंने। देखिए यहाँ पे USB में जो है टिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली USB डिटेक्ट कर लेगा कि हमारी USB मैंने उसने डिटेक्ट कर ली, सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही टाइम लेगा। आप डिपेंड करेगा आपकी इंटरनेट की स्पीड के ऊपर और आपकी जो जो सिस्टम है उसकी स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन के टाइम उसकी जो पेन ड्राइव है उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा, वो कॉपी करेगा पूरा डेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये इंटरनेट पे डिपेंड करेगा, तो इंटरनेट अच्छा होना चाहिए। और कम से कम यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अगर कितना डेटा लेगा ये, तो देखिए मिनिमम 8GB उसने मांगी है, तो 8GB तो नहीं लेगा, इतना डेटा तो नहीं लेगा, बट मिनिमम मेरे हिसाब से 5GB का इंटरनेट तो ये लेगा। तो अगर आपके पास 5GB है इंटरनेट
तो आप आसानी से इसको अपग्रेड कर पाएंगे। और 5 GB नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल से यूज़ करते हैं, आपको 1.5 GB डेली का मिलता है, तो उसका भी एक सोल्यूशन है मेरे पास कि यार आप क्या कर सकते हैं, एड ऑन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको जियो में एड ऑन मिल जाता है, 100 रुपये का एड ऑन डालिए, 6 GB आपको नेट मिलेगा उसमें, ठीक है। तो 6 GB नेट मिलेगा 100 रुपये में, तो 100 रुपये में आपका काम तो ऐसे ही हो गया। 5 GB यूज़ करिए, 1 GB और 1.5 GB तो आपको मिलता ही है, तो 1.5 GB प्लस 6 GB कितना हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरनेट हो गया आपका, जो 100 रुपये में आपका इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं, और ये एड ऑन सभी में होते हैं, एयरटेल में भी होता है अगर आप एयरटेल यूज़ करते हैं तो एड ऑन एक दिन का डाला लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 GB का भी डाला सकते हैं आप, 4.5 GB में आसानी से हो जाएगा आपको। और ऐसा नहीं भी करना चाहते हैं तो अगर आप जियो में हैं तो जियो में क्या कर सकते हैं, 50 रुपये का बैलेंस डलाइए, हाँ एड ऑन मत लीजिए, 50 रुपये का बैलेंस डलाइए, उसमें आपको कुछ रुपए भी मिल जाएंगे, मतलब बात करने के लिए कुछ पैसे भी मिल जाएंगे आपका, और वहाँ पे आपको 5 GB का एक कूपन भी मिल जाएगा, तो 5 GB का एक एड ऑन कूपन मिल जाएगा, तो उसको एक्टिव कर लीजिए। तो 5 GB है और 1.5 GB आपका जो भी प्लान है, 2 GB 1.5 GB का, तो वो हो गया, तो वो आसानी से वो हो जाएगा। तो इस तरह से आप यूज़ करके आपका जो ये विंडोज़ अपग्रेड कर सकते हैं अगर आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं है तो। अब जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा तो वेरीफाई डाउनलोड करेगा, यानी कि आपका जो डाउनलोड हुआ है उसको ये वेरीफाई करेगा, तो उस प्रोग्रेस में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। वेरीफाई होने के बाद ये ISO फाइल जो है वो क्रिएट करेगा, यानी कि एक्सट्रैक्ट करेगा हमारी पेन ड्राइव में, तो इस प्रोसेस में भी टाइम लगेगा, अगेन डिपेंड करेगा ये पेन ड्राइव की स्पीड के ऊपर। तो देखिए 99% हो चुका है ये, और इसमें करीबन मुझे लगा 20 से 25 मिनट लग गए हैं इसमें, तो अभी आगे देखते हैं क्या प्रोसेस है। तो देखिए 100% हो चुका है और यहाँ पर आ गया योर USB फ्लैश ड्राइव इज़ रेडी, फिनिश पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पर आपको ऐसा नहीं है कि कैंसिल कर देना है, अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसमें। ये हो गया, अब हुआ, अब डन हुआ है, अभी फिनिश नहीं हुआ था, अब डन हुआ है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी कुछ भी नहीं करना है आपको, अभी सिर्फ देखिए मैं बताता हूँ आपको, रीस्टार्ट करना है सिस्टम को। तो यहाँ पर हम जाएंगे, सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और पेन ड्राइव से बूट करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये रीस्टार्ट किया, तो अब हमें पेन ड्राइव से बूट करना है, मेक श्योर कि आपका सिस्टम डायरेक्ट बूट नहीं हो जाए। तो यहाँ पर इसके लिए आपको क्या करना है, F10 या F11 या F8 से लेके आप F12 तक प्रेस करिए, जब तक कि ये वाली मेनू नहीं आ जाए, ठीक है। मैं बताऊँगा आपको कौन सी मेनू की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो आपको बूट करना पड़ेगा, मैं बताऊँगा। जैसे कि मैंने मेरा सिस्टम जो है वो रीस्टार्ट कर लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, F11 प्रेस करूँगा, ठीक है। मेरे इसमें F11 है, तो मेक श्योर आपके इसमें कौन सा है, बूट मेनू में हमको जाना है, ठीक है। तो ये वाली मेनू आपके इसमें आना चाहिए, ये वाला ऑप्शन आना चाहिए बूट मैनेज। अब यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, पेन ड्राइव सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेन ड्राइव सिलेक्ट करूँगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पेन ड्राइव के दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो मैं ये वाली पेन ड्राइव सिलेक्ट करूँगा USB, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया, अब यहाँ से जो प्रोसेस है वो उसी तरह की प्रोसेस है जब हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि यार कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं, बट डोंट वरी, मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो अब आपके पास ये वाला ऑप्शन आएगा इस तरह से कुछ, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है यहाँ पर, तो आपको नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है, और यहाँ पर एक रिपेयर का ऑप्शन आता है और एक इंस्टॉल का ऑप्शन आता है, तो इंस्टॉल पर क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा नीचे सेटअप इज स्टार्टिंग, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, ये की मांगेगा यहाँ पर, तो मेक श्योर कि आपके पास की हो, लाइसेंस वर्जन हो। मैं यहाँ पे पायरेसी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आप बाद में भी डाल सकते हैं इसको, अभी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं इसको बाद में डालूंगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की, ठीक है। तो अभी हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा इंस्टॉल करना है। अब ये डिपेंड करेगा आपके पास कौन से प्रोडक्ट की लाइसेंस की है, तो मेरे पास विंडोज 10 प्रो की है, तो मैं प्रो ही डाउनलोड करूँगा। और यहाँ पे देखिए आप X86 ही आएगा, X86 इसलिए क्योंकि हमने 32 बिट ही चूज़ किया था, X86 यानी कि 32 बिट होता है और X64 यानी कि 64 बिट होता है, ठीक है। विंडोज 10 प्रो सिलेक्ट करूँगा, X86 करूँगा और नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। अब ये लाइसेंस टर्म आएगा, इस पर हम एक्सेप्ट करेंगे इसको और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो अब देखिए जो भी खेल है वो यहीं पर है, जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आते हैं आपके पास, एक अपग्रेड का आता है, एक कस्टम का आता है। अपग्रेड हम कब करते हैं, जब हमें विंडोज 7 है हमारे पास और 10 में जाना है, तब हम अपग्रेड पे क्लिक करते हैं। बट अभी हमारे पास क्या है, विंडोज 10 ही है बट वो 64 में है या फिर 32 में है, आपका हो सकता है। तो आपको क्या करना है, 64 में करना है या फिर मुझे 32 में करना है, तो मैं क्या करूँगा, कस्टम पे क्लिक करूँगा। तो 32 64 का तो ऑलरेडी हो गया है, अब सिर्फ हमें इंस्टॉल करना है। तो अभी मैं क्या करूँगा, कस्टम पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको चूज़ करना है आपकी जो सी ड्राइव है सिर्फ उसी को चूज़ करना है, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है, दूसरी ड्राइव में वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपके पास जो है, आप
ये चूज़ कर लीजिए, आपको जो इंस्टॉल करने से पहले देख लीजिए आपकी जो ड्राइव है उसमें स्पेस कितनी है, क्योंकि यहाँ पर सी डी ई नहीं बताता है, यहाँ पर पार्टीशन वन पार्टीशन टू बताता है। तो जो मेरी ड्राइव है वो यहाँ पर है ड्राइव वन, जो कि मेरी SSD है और इसी में मेरा विंडोज इंस्टॉल है। तो पार्टीशन जो है इसको सिलेक्ट करूँगा मैं, ये पार्टीशन वन है, ये देखिए इसी में हमारा डेटा है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं फॉर्मेट नहीं करूँगा इसको, देखो मैं फॉर्मेट नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ इसी में नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर मैं फॉर्मेट कर दूँगा तो इसमें डेटा है वो सारा चले जाएगा, हमको तो डेटा चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पार्टीशन वन सिलेक्ट करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब ये बोल रहा है कि जो भी आपका डेटा है वो उसमें प्रीवियस वर्जन में, जो भी प्रीवियस वर्जन का इंस्टॉलेशन का डेटा है वो सारा रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा। कहाँ पे रहेगा, वो मूव्ड हो जाएगा विंडोज़ डॉट ओल्ड नाम के फोल्डर में। ये देखिए विंडोज़ डॉट ओल्ड नाम का फोल्डर है, उसमें हो जाएगा और उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं, हम उसमें से जो भी डेटा है हमारा ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है आपका जो डेटा है वो भी डिलीट नहीं होगा और आपका सिस्टम जो है वो 32 से 64 में या 64 से 32 में हो जाएगा। अभी यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि आपका प्रीवियस वर्जन का आप यूज़ नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली बात है हम 64 से 32 में कर रहे हैं या फिर 32 से 64 में कर रहे हैं तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ आपको यही प्रोसेस ध्यान में रखनी है, इसको ओके करना है, ठीक है। तो अभी हम इस पर ओके करेंगे, जैसे मैं ओके करूँगा ये इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। तो अभी सेम वही प्रोसेस है जो इंस्टॉलेशन में प्रोसेस लगती है, आपको आपने देखा होगा जो इंस्टॉलेशन मैंने 2-3 बार बताया, आपके 2-3 वीडियो बना के बता रखे हैं, तो वहाँ पर जो प्रोसेस लगती है इंस्टॉलेशन के टाइम पर वही ये प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस होती है तो मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। इंस्टॉलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, अब बस फिनिशिंग अप पे चल रहा है हमारा। और जैसे ही ये पूरा कंप्लीट होता है एक बार रीस्टार्ट होगा बीच में सिस्टम आपका, तो रीस्टार्ट जैसे कि देखिए रीस्टार्ट हो रहा है, तो रीस्टार्ट होगा उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा। तो जब आप रीस्टार्ट करेंगे तो ऐसा गेटिंग रेडी यहाँ पर लिखा आएगा और अगेन ये डिपेंड करेगा कितना टाइम इसमें लगता है, वो आपकी हार्ड ड्राइव की स्पीड के ऊपर, आपकी सिस्टम की स्पीड के ऊपर। सिस्टम जो है फिर से रीस्टार्ट हुआ है और अब लिखा आ रहा है जस्ट ए मोमेंट। तो ये अगर ये लिखा जाए तो समझ लीजिए आपका सिस्टम जो है वो विंडोज 10 वो इंस्टॉल हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर आपको अब सिलेक्ट करना है रीज़न, यानी कि कौन से रीजन में आते हैं हम, तो हम यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे। ये इंडिया हमने सिलेक्ट कर लिया, येस पे क्लिक करेंगे। कीबोर्ड हमें US वाला ही चाहिए तो येस कर दिया, इसको हम स्किप कर देंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है कि हमें कुछ इम्पोर्टेंट सेटअप कर रहा है तो करने दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है कि आप पर्सनल यूज़ करना चाहते हैं और ऑर्गेनाइजेशन वाला करना चाहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक मत करिएगा अंटिल एंड अनलेस, जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये यूज़ नहीं कर रहे, मतलब सिस्टम आपका किसी कंपनी का तो नहीं है, पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं तो पर्सनल पे ही क्लिक करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब ये आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पूछेगा, बट हमें ऑफलाइन अकाउंट पे क्लिक करना है। इधर देखिए यहाँ पे साइड में आ रहा है ये ऑफलाइन अकाउंट, इस पे क्लिक करेंगे ताकि जल्दी हो जाए, मतलब इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए अभी। तो ये इस तरह से पूछेगा कि इस तरह से आपको साइन इन करके ये सब करना पड़ेगा, नहीं करना है हमें, हमें लिमिटेड एक्सपीरियंस पे क्लिक करना है ताकि हम जल्दी जो है हमारा इंस्टॉलेशन पूरा हो जाए। नाम पूछेगा ये, तो नाम दे देता हूँ यहाँ पर मैं, ये मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है और अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा पासवर्ड पूछेगा मुझसे, बट मैं पासवर्ड मुझे देना नहीं है अभी, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा एज इट इज़। आपको पासवर्ड देना है तो आप उसी टाइम पे दे सकते हैं। अब इसको यहाँ पर ये हिस्ट्री वगैरह पूछ रहा है, इसको नो कर देंगे, तो हमें करना ही, हमें नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए और यहाँ पर भी सबको एक्सेप्ट करना है। तो अब देखिए हाई लिखा आ गया, मतलब हमारा सिस्टम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंस्टॉल हो गया है। फिर भी ये बोलेगा थोड़ी सी टाइम और लगेगा, क्योंकि वो एवरीथिंग रेडी कर रहे हैं हमारे लिए सब कुछ, विंडोज़ जो है वो रेडी कर रहा है सब कुछ, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सेवरल मिनट्स बोल रहा है ये, तो ये अगेन डिपेंड करेगा आपकी सिस्टम की स्पीड के ऊपर। कुछ 2-3 मिनट लगे और हमारा विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल हो चुका है और डायरेक्टली ये ब्राउज़र ओपन होता है, वेलकम टू विंडोज़ लिखा हुआ, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने जो फाइल सेव करी थी वो तो चली गई, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था आपको वहाँ पर जब विंडोज़ डॉट ओल्ड में जो सारी फाइल्स हैं वहाँ चली जाएगी। तो अब मैं विंडोज़ डॉट ओल्ड जो फोल्डर है उसको देखते हैं कि वहाँ पर हमारी फाइल्स है या नहीं। तो ये मैंने ओपन किया विंडोज़ हमारा और यहाँ पर मैं गया सी ड्राइव में हमारी, जिसमें विंडोज़ इंस्टॉल था, सी ड्राइव में गया और यहाँ पर एक विंडोज़ डॉट ओल्ड, ये देखिए यहाँ पर विंडोज़ डॉट ओल्ड नाम का एक फोल्डर, जैसा कि मैंने बोला था इसमें सारी हमारी फाइल्स है, देखिए यूज़र प्रोफाइल ये सब जो पुराने विंडोज़ में था वो। तो हम यूज़र में जाएंगे, यूज़र में जाने के बाद हमारे जो RPM में जाएंगे और यहाँ पर डेस्कटॉप, ये देखिए डेस्कटॉप, डेस्कटॉप में ये देखिए हमारी जो सारी फाइल्स थी वो यहाँ पर है, अभी कहीं नहीं गई है, ये देखिए BitLocker और ये इमेज, ये हमारी फाइल्स यहाँ पर है। तो इस तरह से आप कोई भी डेटा लूज़ किए बगैर आपकी जो फाइल्स है वो अगर बैकअप नहीं भी लेते
लेते हैं तो आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़, और आपकी सारी फाइल्स भी रहेगी। तो ये विंडोज़ डॉट ओल्ड के अंदर आपके सारे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर सारे सॉफ्टवेयर भी रहेंगे जो भी आपने इंस्टॉल किए हैं। बट आपको फिर से इंस्टॉल तो करना पड़ेंगे वो, बट आपके सारे सॉफ्टवेयर रहेंगे कि आपको याद रहे कि हाँ ये सॉफ्टवेयर थे, मुझे फिर से इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपग्रेड कर सकते हैं विंडोज़ 64 से 32 में या 32 से 64 में। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा जो सिस्टम है वो 32 हो गया है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जाएंगे और ये इस पे गया, मैं राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ में गया, ठीक है, और ये जो सिस्टम है वो 32 हो गया है। मैं आपको बता देता हूँ ये ओपन होगा, तो ये देखिए 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया है। अब सेम प्रोसेस है, अगर आपका 32 बिट है तो आप 64 में भी कर सकते हैं उसको, सेम प्रोसेस है। सिर्फ आपको जब आप जो वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जब वो ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर आपको 32 या 64 क्या चाहिए वो सिलेक्ट करना है, दैट्स ऑल। और इस तरह से आप सिस्टम जो है वो बदल सकते हैं आपका, वो भी डेटा लूज़ किए बगैर। ठीक है, सारे सॉफ्टवेयर फिर से इंस्टॉल करने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान रखना है बस। तो फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर से रिप्लाई करूँगा और आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है आपका OS को कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर चाहे वो 32 में हो या फिर 64 में बिट में हो। आप 64 से 32 में भी कर सकते हैं और 32 से 64 में भी कर सकते हैं, दोनों का प्रोसेस सेम है। मैंने 64 से 32 बिट में किया है, बट आप सेम इसी तरीके से 32 से 64 में भी कर सकते हैं। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए टेक वीडियोज लाता रहता हूँ और साथ ही साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज जो आपको पसंद आते हैं वो भी मैं आपको देते रहता हूँ इसी चैनल पर। इट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।